क्रिएटिव पीपल, आप देख रहे हैं क्रिएटिव क्रिएशंस। क्रिएटिव क्रिएशंस में आज मैं आपके साथ हूं आपकी कोर्स की क्लास नंबर 6 लेकर। आज है आपके कोर्स की क्लास नंबर 6। अगर आपने पहले की कोई भी वीडियो नहीं देखी तो उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो सारी वीडियोस देखकर इस कोर्स को मुकम्मल तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ प्लेट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाए थे पिंटक्स, तो प्लेट्स आज मैं आपको पहले ये सिंपल सादे वाले प्लेट सिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको ये नाइफ प्लेट सिखाऊंगी जो कि इस्तेमाल होते हैं कमीज़ के फिटिंग में और फ्रॉक्स में, स्कर्ट्स में। उसके बाद मैं आपको बॉक्स प्लेट सिखाऊंगी जो कि इस तरह होते हैं, पीछे से और आगे से होते हैं इस तरह, आजकल ये फैशन में बहुत ही ज़्यादा इन है। उसके बाद मैं आपको बॉक्स प्लेट से एक ये डिज़ाइनिंग भी बना के सिखाऊंगी जो सेम कलर की होगी जब आप बनाएंगे, लेकिन मैंने आपको सिखाने के लिए इसमें ये वाले कलर यूज़ किए हैं ताकि आपको ये अच्छे से नज़र आए। और उसके बाद लास्ट में आपको सिखाऊंगी ये इन्वर्टेड प्लेट। इन्वर्टेड प्लेट पीछे से इस तरह होते हैं और आगे से इस तरह होते हैं, और ये आजकल फ्रॉक्स में बहुत ज़्यादा इन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट वाली प्लेट से जिसको हम बच्चों की फ्रॉकों के लिए या झालर के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने ये लंबा सा कपड़ा ले लिया है। अब मैं इसमें प्लेट्स डालूंगी, इसको मैं इस तरह रख लूँगी ऐसे, थोड़ा सा पहिए को मशीन को चला लूँगी। उसके बाद सादी प्लेट्स के लिए क्या करना है, बस जितनी चौड़ी आपने ये रखनी है उतना चौड़ा चौड़ा लेकर आपने इस तरह जो है ये प्लेटें डालते जाना है। तो ये जो है बच्चों के फ्रॉकों में, स्कर्ट्स में ये वाली प्लेट जो है ना वो डलती है, इनको कहते हैं सादी प्लेट, झालर वाली। इसको झालर के लिए हम यूज़ करते हैं। कई दफ़ा हम पिलोज़ के साइड पे, पिलोज़ जब बनाते हैं तकिए, तो तकियों के साइडों पे इस तरह की बना के लैसी लगाते हैं, बल्कि आजकल ये गलों पे बहुत ज़्यादा चली हुई है। इस तरह इसको डबल कर लिया जाता है कपड़े को, और डबल को इस तरह बना लिया जाता है, ये देखें इस तरह। और ये गलों पर भी आजकल लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसका सिंपल तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे रखा, मशीन को चलाया, ऐसे रखा और मशीन को चलाया, जितने चौड़े चौड़े आपने डालने हैं ये आप पर है, ठीक है। ये देखें ये डाल गए, ये डाल गए, ये देखें कितने मज़े के प्लेट्स डाल गए हैं। अब मैं इसको काट लेती हूँ, ये देखें ये झालर वाली प्लेट, इसको कहते हैं झालर प्लेट। क्या नाम है इसका, झालर प्लेट। फ्रॉकों के लिए, बाजुओं में चुनट वगैरह देने के लिए चुनट की जगह जो है ना ये प्लेट्स यूज़ कर लें, ये ज़्यादा जो है वो प्यारे लगते हैं। साड़ी में फॉल डालने के लिए भी यही प्लेट डलते हैं, इनको कहते हैं सिंपल प्लेट या फिर आप कह सकते हैं झालर प्लेट, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे प्लेट सिखाऊंगी। अब मैं आपको सिखाने लगी हूँ नाइफ प्लेट। नाइफ प्लेट होते हैं, नाइफ प्लेट के लिए मैंने पीस ले लिया है। नाइफ प्लेट होते कौन से प्लेट हैं, नाइफ प्लेट होते हैं जो कमीज़ में फिटिंग के लिए अक्सर डाले जाते हैं, और ये बच्चों की स्कर्ट्स पे भी डाले जाते हैं, स्कर्ट या फ्रॉक पर भी डाले जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये कमीज़ में फिटिंग के लिए डाले जाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जिधर हमने प्लेट डालना है वहाँ से हम कपड़ा ऐसे डबल कर लेंगे। ये अपर है कि ये ऊपर से कितने चौड़े हों, ठीक है। ऊपर से हम इसको लेंगे आधा इंच, आधा इंच पे हम यूँ इस तरह रख के निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये मैंने निशान लगा लिया, इसकी लंबाई हमें जितनी रखनी है हम उतनी इसकी लंबाई रख लेंगे। ये मैंने इसकी लंबाई रख ली 2 इंच, 2 इंच से इधर मैंने जो है इसको ऐसे नाइफ, जैसे छुरी होती है नोक वाली, इसलिए इनको नाइफ प्लेट कहते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह हम डालेंगे। अब इस पे मैं सिलाई लगाऊंगी, ठीक हो गया। तो ये देखें ये है नाइफ प्लेट, ये यहाँ से जो है वो खुला है लेकिन इधर से कपड़ा इतना अंदर है, ठीक है। पीछे से ये ऐसे दिखता है, आगे से ये ऐसे दिखता है। अब हम फिर थोड़ा सा फासला देंगे जितना हमने देना है। मैं यहाँ पे 1 इंच का फासला दूंगी, 1 इंच का फासला देकर फिर आधा इंच का निशान लगा लूँगी। ये देखें यहाँ से यहाँ आधा इंच बन रहा है, ठीक है। ये मैंने आधा इंच का निशान लगा लिया। अब मैंने इस आधे इंच से जो है ना ऐसे पकड़ लिया, ठीक हो गया। इधर से मैं 2 इंच का डबल मैंने कर लिया कपड़े को, मैं अब 2 इंच का निशान लगा के वो जो 1 इंच का निशान लगाया था उससे मैच कर दूंगी ऐसे, ठीक हो गया। अब मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी, ये हमारी एक और नाइफ प्लेट डाल गई। ये ऊपर से क्लोज होती है और नीचे से लूज होती है,
नीचे से ये खुली होती है और ऊपर से ये टाइट होती है, ठीक है। इस तरह हम ये सारी डाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे बना है। ये देखें, ये मैंने चार प्लेट्स जो है ना नाइफ प्लेट डाले हैं, ये मैं आपको नाइफ प्लेट सिखा रही हूँ। ये देखें, अब यहाँ से ये टाइट हो गया कपड़ा, और यहाँ से जितने कपड़े की अपनी फुलनेस थी वो उतनी है। ये दो जगह पे यूज़ होता है ज़्यादा, वैसे तो आप इसको डिज़ाइनिंग के लिए जहाँ मर्जी यूज़ कर लें, बाजुओं में यूज़ कर सकते हैं आप, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा ये कहाँ यूज़ होता है, कमीज़ की फ़िटिंग में, जहाँ कमीज़ की फ़िटिंग के लिए लगाई जाती है वहाँ ये प्लेट यूज़ होती है, और बच्चों की स्कर्ट्स में भी ये वाली प्लेट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। स्कर्ट इस तरह ही बस प्लेट्स डाल के फिर यहाँ पर बच्चे की कमर के हिसाब से बेल्ट लगा दी जाती है, और नीचे से ये स्कर्ट की तरह होता है। आपको ये उस तरह भी देखने में ये स्कर्ट की तरह ही लग रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपको सिखाने लगी हूँ तीसरी प्लेट। तीसरी प्लेट है बॉक्स प्लेट। बॉक्स प्लेट पहले तो इसको बहुत कम यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल ये डिज़ाइनिंग में बहुत ही ज़्यादा इन है। बॉक्स प्लेट की दो इकसाम होती हैं, एक होती है इन्वर्टेड प्लेट और एक होती है बॉक्स प्लेट, ठीक है। बॉक्स प्लेट जो होती है वो फुल फुल बनाई जाती है, और जो इन्वर्टेड प्लेट होती है वो थोड़ी थोड़ी बनाई जाती है। बॉक्स प्लेट का ये है कि आप उसको इसमें आधा इंच, एक इंच, डेढ़ इंच, दो इंच, तीन इंच, जितना मर्जी चौड़ा बना सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल आपको एक एक इंच चौड़ी बॉक्स प्लेट बनाना सिखाऊंगी, फिर मैं आपको बॉक्स प्लेट की जो आजकल डिज़ाइनिंग चल रही है वो भी दिखाऊंगी। उसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने ये ले लिया, मैंने इधर निशान लगा लिया एक इंच का, एक इंच का, एक इंच का और एक इंच, एक दो तीन चार इंच पे मैंने निशान लगा लिया। अब मैंने क्या करना है, इस निशान को मैंने इस तरह पकड़ लेना है, जैसे मैंने आपको पिछली प्रिंट टक में बताया था, ये मैंने निशान से पकड़ लिया। अब मुझे कितनी चौड़ी प्लेट डालनी है, मैं डालने लगी हूँ भाई आधे इंच की प्लेट, ठीक है। या आपको उधर से सही नहीं नज़र आ रहा होगा, मैं इधर से इधर आपको हाफ दिखाती हूँ सही से। ये आधे इंच का निशान मैंने इधर लगा दिया, ये इधर से इधर, इधर से इधर, ये आधे इंच का निशान मैंने इधर लगा दिया, ठीक है। अब मैं इस पर लगा लूँगी सिलाई, बिस्मिल्लाह। ये मैंने सिलाई लगा ली, कपड़ा सीधा किया तो ये ऐसे बन गई। अब ये बॉक्स बनाने के लिए आप इसको ऐसे प्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह लगेगी और पीछे से ये बिल्कुल सिलाई जो है इतना कपड़ा चला जाएगा, ठीक है। ये अब मैं दूसरी प्लेट डालूंगी, जो मैंने दूसरा निशान लगाया था उससे मैं कपड़ा उठाऊंगी और फिर से जितना मैंने लेना है, एक इंच या दो इंच या आधा इंच, आधा इंच का मैं फ़िलहाल डाल रही हूँ, यहाँ से मैं आधे इंच पे निशान लगा लूँगी, नीचे से भी मैं आधे इंच पे निशान लगा लूँगी। इसको आप आधे इंच से कम में भी डाल सकते हैं, यानी आप इसको एक इंच का भी मतलब डाल सकते हैं, या एक सेंटीमीटर का भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये कपड़ा लिया है, ये देख लें ये आ गई, दो ही डली हैं, ज़्यादा नहीं डाल सकती क्योंकि ये पीस कम है। ये देखें, ये इस तरह हम इनको बिठा लेंगे तो ये ऐसे, नहीं तो इनकी आजकल एक और डिज़ाइनिंग है, ट्रोज़र पर ये डलती हैं, पिन टक्स भी डलते हैं और ट्रोज़र पे ये खुली वाली भी डलती हैं। इनको ऐसे रख के प्रेस कर दें और ट्रोज़र पे डाल लें, फिर इनकी एक और डिज़ाइनिंग भी है बारीक बारीक डाल के, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बॉक्स प्लेट की जो आजकल बाज़ार में डिज़ाइनिंग चल रही है, ट्रोज़र इन हैं आजकल बॉक्स प्लेट की डिज़ाइनिंग वाले, उसके लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है। उसके लिए मुझे इतनी चौड़े बॉक्स प्लेट नहीं डालने हैं, मैं बस ऐसे पकड़ूंगी और तकरीबन जो है आप कह लें कि एक सेंटीमीटर का मैं प्लेट डालूंगी, आधा इंच भी नहीं, आधा इंच थोड़ा बड़ा हो जाता है, मैं एक सेंटीमीटर का प्लेट डाल लूंगी। इधर 1 सेंटीमीटर अंदर चला गया हुआ, मैं इसलिए ये 2 से इधर 1 सेंटीमीटर का निशान लगा रही हूँ, ठीक है। एक एक सेंटीमीटर का प्लेट डालना हमने इस डिज़ाइनिंग के लिए, एक एक सेंटीमीटर का हमने फासला देते जाना है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का हमने निशान लगा लिया, 1 सेंटीमीटर का हम फासला देंगे और ये देखें 2 बन गए, 1-1 सेंटीमीटर का हम फासला देंगे और हम इनको बनाते जाएंगे। ये देखें जी, ये मैंने 4 बॉक्स प्लेट डाल ली हैं, पीछे से ये कुछ इस तरह से होते हैं, आगे से ये इस तरह से होते हैं, ठीक है। ये अब आप पे आप कितने बॉक्स प्लेट डालना चाहते हैं, फिर इनको ऐसे आप सीधा कर लें, तो इस तरह डिज़ाइनिंग बनाने के लिए आप इनको सीधा कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको सीधा करके इधर से एक टांका लेके इस पे मोती लगा लें, टांका लेके मोती लगा लें, टांका लेके खोलने के बाद टांका लेके मोती लगा लें, एक वो डिज़ाइन हो गया। आप इस तरह डायरेक्ट इनको ऐसे खोल के सीधा करके प्रेस कर लें, ठीक है।
एक तरफ को सबको ला के ऐसे प्रेस कर लें, ठीक है। फिर इस पे सिलाई लगाएं। ये सिलाइयों वाला मैं आपको दिखाती हूँ अभी, मोतियों वाला भी मैं आपको एक वीडियो अलग बना के उसमें दिखाऊंगी। ये एक सिलाई लगा ली हमने, अब हम थोड़ा सा मशीन को आगे ले जाएंगे। अब इन सबको हम इस तरफ को मोड़ लेंगे, ठीक है। ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। हमने सबको इस तरफ मोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लग गई। अब हम इस धागे को काट लेंगे। इधर से हम फिर इसको इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ। ये बॉक्स प्लेट की जो डिज़ाइनिंग है ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है, ऐसे रख के फिर से सिलाई लगा लेंगे। ठीक हो गया, ये सिलाई लग गई। फिर से हम इसको ऐसे ही इस तरह फोल्ड करेंगे, इस तरह फोल्ड कर लिया। फिर हम इसको सिलाई लगा लेंगे, फिर सिलाई लग गई। और लास्ट में हम फिर से इनको बिल्कुल ऐसे फोल्ड कर देंगे और फिर से एक जो है सिलाई हम लगा लेंगे। ये भी डिज़ाइनिंग जो है बॉक्स प्लेट से होती है और ये बहुत मज़े की लग रही है। ठीक हो गया। अब मैं आपको लास्ट वाली प्लेट सिखाने लगी हूँ जो है इन्वर्टेड प्लेट्स। इन्वर्टेड प्लेट्स आजकल बहुत इन है, कमीज़ों पर, फ्रॉकों पर, सब जगह हो रही हैं। बाजुओं पर, कमीज़ों पर, फ्रॉकों पर, सब जगह इन्वर्टेड प्लेट हो रही हैं। इन्वर्टेड प्लेट कौन सी प्लेट्स हैं? इन्वर्टेड प्लेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल बॉक्स प्लेट जैसी ही हैं, लेकिन ये फुल नहीं डाली जाती। जैसे बॉक्स प्लेट की हमने फुल डाल दी थी, ये भी हमने बॉक्स प्लेट डाली, ये हमने फुल डाल दी थी, ठीक है ना। ये इन्वर्टेड प्लेट फुल नहीं डलती, ये फ्रॉक्स पर, स्कर्ट्स पर, सब जगह होती हैं, लेकिन ये फुल नहीं डलती। इन्वर्टेड प्लेट के लिए हम क्या करेंगे, जितना हमने कपड़ा साइड से छोड़ना है सिलाई के लिए उतना हम एक इंच, ये हमारा निकल गया, यहाँ से हमने ये सिलाई के लिए छोड़ दिया, ठीक है ना। इसके बाद हम पीस को डबल कर लेंगे। यहाँ से अब हमने जितना निशान लगाना है, ये प्लेट आप जितनी मर्ज़ी डाल सकते हैं, एक इंच की डालना चाहते हैं एक इंच की डाल लें, उससे कम डालना चाहते हैं कम डाल लें। एक इंच पे मैंने निशान लगा लिया है, इधर भी मैंने एक इंच पे निशान लगा लिया। अगर आपकी सिलाई सीधी है तो फिर आपको कोई लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपकी सिलाई सीधी नहीं है तो आप इस तरह जो है वो एक लाइन सी लगा लें दोनों निशानों को मिला के, ताकि आपकी सिलाई सीधी आए, ठीक है जी। और मैंने इसकी रखनी थी, क्योंकि इसकी फुल कपड़े की चौड़ाई 6 इंच है, तो मैं इसकी रखूँगी यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाऊँगी। इन्वर्टेड प्लेट मैंने आपको पहले भी बताया छोटी होती है, तो ये मैं 2.5 इंच पर निशान लगाकर यहाँ से अब मैं थोड़ा सा धागा खींच के यहाँ से सिलाई लगा लूँगी। जब मैं एंड पर आऊँगी तो इसको जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ चलाऊँगी, फिर आगे की तरफ चलाऊँगी, पाँव उठाकर इसको अच्छे से जो है वो धागे को मैं काट लूँगी। ये लें जी, ये देखें हमारी जो है इन्वर्टेड प्लेट डाल गई है। अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे दबा के प्रेस कर लूँगी, ये आगे आगे वाली साइड इसकी कुछ इस तरह से दिखेगी और पीछे से ये इस तरह से होगी, ठीक है जी। ये देख लें, ये ऊपर से हाफ है और नीचे से खुली हुई है, ये कैसे। और ये जो डिज़ाइन है ये बहुत ही आजकल फैशन में है, बल्कि इसके ट्रोज़र, बेल बॉटम ट्रोज़र पर भी ये वाली प्लेट डाली जाती है और ये बहुत ही अच्छी लगती है। फ्रॉक्स पर और बहुत सी जगहों पर ये वाली प्लेट डाली जाती है। अब मैं इसी तरह इतना जितना ये लिया था इतना ही डिस्टेंस दूंगी और उसके बाद दूसरी प्लेट भी डालूंगी, ठीक है। मैंने इसको खोल लिया था, अब मैं इधर से जितनी मैंने ये वाली प्लेट 1 इंच की डाली थी इतना ही मैं उधर से लूँगी और प्लेट डाल लूँगी। ये लें जी, मैंने लगा ली है सिलाई। ये देखें, ये दोनों इस तरह से बन गई हैं, पीछे से ये ऐसे हैं, आगे से ये ऐसे हैं। अब इन दोनों को मैं बिठाने के लिए जो है इनको सेंटर से ऐसे हाफ करके इस तरह से बिठा लूँगी और फिर एक रफ सी सिलाई लगा लूँगी इस तरह बिठा के ना, तो ये मैं सिलाई लगा लूँगी। आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये मैंने लगा ली सिलाई, ये देखें आगे से ये किस तरह लग रही है, नीचे से ये खुलूँगी तो ये फुल खुल जाएंगी, ऊपर से ये टाइट हैं। आजकल जो कमीज़ों के फ्रॉक बन रहे हैं, कंधे से ऊपर वाली साइड से ये नीचे की तरफ सिलाइयाँ लग के इनके फ्रॉक बनते हैं, बहुत ही प्यारे। ट्रोज़र भी बना सकते हैं आप, गरारे भी बना सकते हैं। तो ये है जी इन्वर्टेड प्लेट,
ये बहुत ही प्यारी लगती है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। हाँ जी व्यूवर्स, देखें आज मैंने आपको सिखा दिए हैं ये पांच टाइप की प्लेट्स। पहले झालर वाला प्लेट मैंने आपको सिखाया है, ठीक है जी, सादा प्लेट, फिर ये नाइफ प्लेट, फिर मैंने ये आपको बॉक्स प्लेट सिखाया, उसके बाद मैंने आपको सिखाए ये बॉक्स प्लेट डिज़ाइनिंग वाले, उसके बाद ये इन्वर्टेड प्लेट सिखाए जो नीचे से कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है जी। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मैं सिंगर की जो सोइंग मशीन है, वो कंप्यूटराइज मशीन, उसके पे भी वीडियोस बनाती हूँ, उसका भी मेरी जो वीडियोस के लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उधर से जाके मेरी वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं, मेरे इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके व्यूवर्स, तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।